वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. हमने अभी तक देखा पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और उसके सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे. आज हम बात करने वाले हैं अगर हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ तो उस एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम उसे कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. ओके तो अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं पोजीशन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन. ओके सो ए एस ग्राफ. ओके एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ. ओके एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ की हम बात करेंगे और उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें जरा ध्यान से समझना पड़ेगा. पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ के आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, अगर डिफरेंशिएट करते हैं इसका मतलब होता है स्लोप. ओके ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं. अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ए. थोड़ा सा मैं इसे कलर चेंज करके लिखूँगा. यहाँ पर अगर हम v into dv by ds is equal to a लिखता हूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी क्योंकि ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेंगे जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे के रखेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट के. ओके तो v dv by ds इज इक्वल टू ए. ओके अब अगर हम इसे थोड़ा सा और अरेंज करें तो हम लिख सकते हैं v dv = a dsओके और इसे इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड. ध्यान से समझिएगा, इसे इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट टू फाइनल वेलोसिटी v, क्योंकि यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं. dv का क्या मतलब है, dv का मतलब है कि आप v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं. ओके और इधर s ds का मतलब है कि s के रिस्पेक्ट में, मतलब s1 to s2. ओके v का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा v² / 2, लिमिट पुट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट टू फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू a ds का इंटीग्रेशन फ्रॉम s1 to s2. ओके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर और ये सारे कॉन्सेप्ट JEE और नीट के रिलेटेड हैं. बोर्ड में इनसे रिलेटेड कोई बात नहीं करेगा पर JEE और नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं. ओके और हमें एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे. तो अगर आप एक बार ये सारे वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होने वाला है, इट्स माई गारंटी. ओके सो दिस अपर लिमिट v² - lower limit v0² इज इक्वल टू 2 times ऑफ इंटीग्रेशन s1 to s2 a ds. ओके सो इफ वी आर फाइंडिंग दिस फाइनल वेलोसिटी v² दिस इज इक्वल टू v0² + 2 times एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम s1, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रेशन. ओके सो इफ लेट अस कंसिडर इट इज अ फंक्शन, दिस इज द ग्राफ. ओके एंड दिस ग्राफ s1 to s2, we are finding this area from s1 to s2 between acceleration. So this integration from s1 to s2, okay, इसे थोड़ा सा हम आगे लिख लेते हैं. Integration from s1 to s2 of acceleration ads is equal to this area. ये जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है वो ओके क्योंकि यही ग्राफ का प्रॉपर्टी होता है. ग्राफ से यही चीज़ आपको समझना है कि कहाँ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कहाँ पे हम एरिया का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं एरिया, क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर एक्सेलरेशन पोजिशन ग्राफ. सो यू कैन फाइंड दिस फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू v0² + 2 times of area
under position time graph. So what you can do, what you can find the final velocity at any position, at any position. यहाँ पर velocity है v1 या v0, और यहाँ का velocity v आपको find करना है. So this is the velocity. एक numerical करेंगे तो आपके सारे concept और clear हो जाएंगे. Okay, तो ये integration को हम किस तरीके से graph से correlate करेंगे वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, है ना. तो हम आगे देख रहे हैं एक numerical. तो बड़ा easy numerical हम ले रहे हैं और इस न्यूमेरिकल से हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. तो हमारे पास में एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन गिवन है. दिस एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. ओके, तो दिस एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग अप टू 2 meter per second square फ्रॉम s इक्वल टू 0 टू s इक्वल टू 10 meter. नाउ इट इज कॉन्स्टेंट. दिस एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट फॉर 15 meter. For 15 meter, okay, we have to find the velocity. Find the velocity after completion of after completion of 15 meter completion के बाद velocity क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखा था तो डायरेक्ट एरिया से फाइनल वेलोसिटी पता चल रहा है. यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ है. कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यहाँ पर हमारे पास में एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन नहीं है. अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन होता तो डायरेक्टली हमको पता चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. वो तो हम कर चुके हैं अभी लास्ट लेक्चर में. और अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो लास्ट लेक्चर एक बार फिर से देखिए, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मतलब डायरेक्ट एरिया. पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पोजिशन ग्राफ दे रखा है और फाइनल वेलोसिटी पूछा है आफ्टर 15 meter, नॉट इन सेकेंड, नॉट इन टाइम, इन मीटर. ओके, तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी हमने देखा. दिस वी इज इक्वल टू, दिस वी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 times of area. ओके, 2 times of area. ओके, दिस इज 2 times of area. लेट अस कंसिडर दिस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. दिस वी नॉट इज इक्वल टू 0. ओके, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. If it starts from rest. Okay, it is starting from rest. It is given in the question. So initial velocity is equal to 0 given. So it is equal to 2 root 0 square plus 2 times of area. What is area? This area A1, this area A2. So because you want to find the velocity up to 15, so both area you have to count. Area A1 क्या होगा? 1/2, height है 2 और base है 10, plus area A2 कितना होगा? Area A2 होगा height है 2 और base है 5. Why it is 5? This 5 meter. Okay, bracket close करेंगे और find करेंगे. So this velocity v is equal to this 2 will cancel out. Okay, this 2 will cancel out. अरे सीधा नहीं जा रहा है. ओके, दिस 2 विल कैंसिल आउट 10 plus 10. सो इट इज़ 2 × 10 + 10 = 20. सो इट इज़ v इक्वल टू √40. सो इट इज़ v इक्वल टू 2√10 meter per second. ओके, जो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा था, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है. यही बहुत अच्छा एक बेनिफिट है हमको जेई के न्यूमेरिकल सॉल्व करने. हर एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इजी है, बहुत छोटा है. इट इज़ नॉट टू मच टाइम कंज्यूमिंग. बस हमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए. अगर एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा हम फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाता है
तो इट्स माई गारंटी दैट यू विल नॉट मिस इवन अ सिंगल न्यूमेरिकल. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लिक है. और ये कैसे पता चलेगा? इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस 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 ओनली प्रैक्टिस. ओके, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने न्यूमेरिकल जितने कैटेगरी के न्यूमेरिकल आप समझेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल बनने लगेंगे. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? एक्सेलरेशन पोजिशन ग्राफ. और अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी पोजिशन ग्राफ की, जो कि और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको बताता है. वेलोसिटी पोजिशन ग्राफ. सो नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना है. थैंक यू वेरी मच.